मुताबिक मुकदस मरकज़ की इंजील उसके 8वें बाब में सिबियान 14वीं आयत मुकदसा से 21वीं आयत मुकदसा तक। फरीसियों और हेरोदीस का खमीर। और वो रोटी लेना भूल गए थे और कश्ती में उनके पास एक से ज़्यादा रोटी ना थी, और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आँखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टुकड़े टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए 22 से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज लतूरे कैलेंडर के मुताबिक यूख्रिस्ती आबादत में पढ़ी जाने वाली पाक और मुकद्दस तलावतों पर ध्यान और ज्ञान के लिए मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। याद दिलाता रहूँ जाऊँ कि आज लतूरे कैलेंडर के मुताबिक पाक कैथलिक कलीसिया मुकद्दसा कैथरीन डी रिची कंवारी का यौम यादगार भी मना रही है, जो 1522 में पैदा हुई और 1590 में वो रहलत कर गईं। मुकद्दसा कैथरीन डोमिनिकन तबके से ताल्लुक रखती थी और खुदा उन यीशु मसीह ने उन्हें मौजज़ाना तौर पर आपने बहुत सारे मुलाकात के विजन्स दिए थे, रोया दिए थी। तो आज हम उनकी ज़िंदगी के लिए शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपना इलाही बेत समझाने के लिए उन्हें रोया दी। आज की पाक तलावतों में हम बड़े शानदार बातें सुनते हैं, और इन तलावतों में पालूस मुकद्दस याकूब रसूल जो है वो फरमाते हैं कि भाइयों, हिम्मत कहो कि आजमाइश जो है खुदा की तरफ से है। खुदा बदी से लोगों को नहीं आजमाता, मगर आजमाइश की जो सबब है, याकूब रसूल फरमाते हैं कि इंसान की अपनी शहवत की वजह से वो आजमाइश की तरफ खींचा जाता या लुभाया जाता है और आजमाइश में गिरता और आजमाइश में पड़ता है। और फिर ये आजमाइश जब बढ़ जाती है और शहवत से हमला होती है तो गुनाह को जनती है, और वो कहते हैं कि गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है, गुनाह की मजदूरी मौत है। तो याकूब रसूल फरमाते हैं कि भाइयों, फरेब ना खाओ, हर अच्छी बख्शिश और हर कामले नाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब उस पर साया पड़ता है। तो लिहाजा अच्छी चीज़ें खुदा की तरफ से हैं,
बुराई की तरफ हमारा रुझान हमारे अपने अंदर होता है और हम खुदा की बातों को नज़रअंदाज करके जब आपने उस लालच या शहवत के रुझान की वजह से लुभाए जाते और खींचे जाते हैं तो आजमाइश में गिरते हैं। तो आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं, इसलिए इस बात को याकूब रसूल कहते हैं कि अच्छी तरह जान लो रहमत और नूरों का खुदा जो है वो ऊपर से हर रहमत नाजल करता है। ये हमारी कम इल्मी की वजह से हम आजमाइश को खुदा की तरफ से इम्तहान का नाम दे देते हैं, पर याकूब रसूल के मुताबिक खुदा बदी से लोगों को नहीं आजमाता। आज की इंजील मुक़दस बड़ी दिलचस्प बातें और हदायत लिए हुए हैं। इंजील मुक़दस मुक़दस मरकस के मुताबिक उसके 8:14-21 आयत में जो इक्तबास थोड़ी देर पहले हमने सुना उसमें ये तज़किरा था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार हुए हैं और शागिर्दों को याद आता है कि वो अपने साथ रोटी लेना भूल गए हैं, उनके पास एक रोटी के सिवा कुछ ना था। तो वो इस बात की फिक्र में है, सोच में है कि झील पर पतन कितना सफ़र करेंगे तो हमारे पास सिवाय एक रोटी के कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह उन्हें ताकीद करके कहते खबरदार पीसों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज करो। बस वो आपस में यूं कहते हैं हुए तकरार करने लगे हैं कि हमारे पास रोटी नहीं, और उसने ये जानते हुए उनसे कहा था क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं। जो बात यीशु मसीह ने उन्हें कही वो आपने रोटी की फिक्र में उस बात को समझने से कासर रहे। यीशु मसीह उन्हें हेरोदीस और फरीसियों के खमीर से बचे रहने की तलकीन कर रहे हैं, पर वो अपने रोटी की फिक्र में इस बात को समझते नहीं। फिर यीशु मसीह उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम रोटी की बहस और तकरार करते हो, अब तक तुम्हारा यकीन नहीं है। क्या तुमने देखा भी है कि किस तरह मैंने जब 4,000 को शेर किया था तो कितने टोकरे रोटियां बची थी उनके साथ, जब मैंने रोटियां तोड़ी थी तो उस वक्त जब 12,000 को शेर किया था तो 5 रोटियों से तो कितने टुकड़े तुमने उठाए। तो उन्होंने कहा कि 12 टोकरियाँ उठाई। तो ये समझे ना, कहते फिर भी तुम रोटी की फिक्र में हो गए, हमारे पास रोटी नहीं है, जबकि कसरत से शेर करने वाला 5 रोटियों से 7,000 लोगों को शेर कर देने वाला जो है वो आपके साथ है, तो तुम इस बात को समझे नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह उन्हें ये बात समझाते हैं कि तुम हेरोदीस और फरीसियों के खमीर, इसका क्या मतलब था हेरोदीस, कौन सी बात यीशु मसीह उन्हें समझाना चाहते थे। हेरोदीस का और फरीसियों का खमीर से क्या मुराद है? खमीर के मुतल्लिक इंजील मुकद्दस में लिखा है थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा कर देता है। तो ये यहूदियों की, ये फरीसियों की सोच और एटीट्यूड से मुतल्लिक यीशु मसीह उन्हें खबरदार कर रहे थे, और फिर दूसरी तरफ यीशु मसीह उन्हें हेरोदीस के एटीट्यूड से भी बाखबर कर रहे थे। तो इनका एटीट्यूड दरअसल है क्या था?
फरीसियों का एटीट्यूड ये था कि वो अपने आप को सबसे अफजल और आला समझते थे और दूसरों को कमतर। वो शरीयत के अपने आप को ठेकेदार समझते थे और आलम समझते थे, लिहाजा तो वो पाक और मुकद्दस समझे, क्योंकि वो शरीयत को लिखते थे तो कहते थे वो पाक और मुकद्दस है और बाकी गुनाहगार है। तो इस एटीट्यूड, इस खमीर से यीशु मसीह दरअसल उन्हें खबरदार रहने की तलकीन कर रहे थे कि ऐसा एटीट्यूड ना अपनाना, ऐसे एटीट्यूड की जाग या खमीर ना तुम्हें लग जाए, इससे बचना। और हेरोदीस का खमीर क्या था? हेरोदीस मुखालिफ मसीह था, हेरोदीस ने यीशु को मरवाना चाहा था। तो हेरोदीस के खमीर से भी कि मुखालिफ मसीह ना होना। फकी फरीसी और हेरोदीस भी यीशु के मुखालिफ भी रहे थे, कुछ फरीसी निशान भी मांगते थे। तो दरअसल यीशु मसीह उनके इस एटीट्यूड से उन्हें खबरदार कर रहे थे। हेरोदीस ने यीशु को बाद हज़ा जो है वो कत्ल भी करवाया, पहले पैदाइश पर भी हेरोदीस यीशु को कत्ल करवाना चाहता था, लेकिन फिर कैसर के दौर में यीशु मसीह को जब सलीब चढ़ा दिया गया तो यही बादशाह बरसरे इक्तदार था। लिहाजा यीशु मसीह जो बात शागिर्दों को समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं रहे। फिर बहुत दफ़ा हम भी जो खुदा का कलाम और यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं, कलाम को पढ़ने के बावजूद उस नुक्ते को समझते नहीं और हमारी जिस्मानी भूख प्यास और चीज़ों का ध्यान और लालच जो है, हमें खुदा के उस इलाही नुक्ते को जो वो समझाना चाहता है समझने से कासर रहते। आइए दुआ करें कि खुदा हमें ऐसी रोया, ऐसी फहम और फिक्र अता करे कि जो कुछ वो हमें अपने कलाम की पाक तलावतों से और कलाम की तालीम से समझाना चाहता है, हम हकीकतन उसे समझें और ईमान लाएं, उसके निशानत और मौजजात को देखकर ईमान लाकर यकीन करके जान लें कि खुदा हर तरह की मुश्किल हालात में भी हमारी मदद कर सकता है। खा हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, वो हमारे लिए फ्राहम करने की ताकत और तवानाई रखता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें दुनियावी रोटी की फिक्र से बालातर करके रूहानी रोटी और रूहानियत की फिक्र करने के कायल बनाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।